नमस्कार, हर न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पौराणिक महत्व है। आज माँ रानी को याद किया जा रहा है क्योंकि आज पांचवा नवरात्रा है। माता स्कंद माता की पूजा की जा रही है और उनकी आराधना की जा रही है। आज जानेंगे कि माता स्कंद माता को किस प्रकार से याद किया जाएगा और उनकी आराधना किस प्रकार से की जाएगी और माता रानी को भोग में क्या कुछ पसंद है। हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। रंजना जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि स्कंद माता को किस तरह से याद किया जाएगा, उनकी आराधना किस प्रकार से की जाएगी और इस बार माता रानी किस प्रकार से कृपा करने वाली है अपने भक्तों पर। सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम देखते हैं माता रानी के पांचवें स्वरूप है, वो ही स्कंद माता है। और हम ये देखते हैं कि शिव जी और पार्वती जी के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उनकी जो माता, इनको स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। और हम देखते हैं कि पार्वती माता ने बचपन से ही इनको शिक्षित किया था, इसीलिए इनको स्कंद माता कहा जाता है। और हम ये देखते हैं कि जो पार्वती जी हैं, इनको महेश्वरी या गौरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको पार्वती या पर्वती भी कहा जाता है। और हम ये देखते हैं कि हिमालय में रहकर ये नव निर्माण करते हैं, चेतना का नव निर्माण करती हैं। और ये हम देखते हैं कि अपने जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ये आशीर्वाद भी देती हैं और हर प्रकार से इनकी जो भी है मदद भी करती हैं। और हम ये देखते हैं कि इनके जो इनकी उपासना से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इनके आशीर्वाद से जो मूर्ख हैं वो भी ज्ञानी हो जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो कार्तिकेय जी हैं, इनको भी इन्होंने शुरू से ही शिक्षित किया है। और कार्तिकेय जी जो हैं स्कंद के रूप में, इनके हमेशा दाहिने हाथ में इनको इनकी गोद में रहते हैं और बाएं हाथ में ये इनके हाथ में जो है कमल का फूल होता है, इसलिए क्योंकि ये कमल के पुष्प के ऊपर ये विराजमान होती हैं, इसलिए इनको पद्मासना भी कहा जाता है। और हम ये देखते हैं कि इनका जो असली वाहन जो है वो सिंह है, मगर हम ये देखते हैं क्योंकि ये सूर्य मंडल के अंदर इनका निवास स्थान रहता है। और इनके अंदर जो हम देखते हैं कि इनका जो शरीर है ये बहुत ही कांतिमय एंड बहुत ही अलौकिक होता है, इनकी जो प्रभा होती है वो बहुत ही ज्यादा अलौकिक होती है। इसी कारण हम ये देखते हैं कि अपने जो भक्त हैं उनका सारे जो दुख हैं उनका ये निवारण करती हैं और उनकी सब मनोकामना पूर्ण करती हैं। और हम ये देखते हैं कि जितने लोग भी स्कंद माता की पूजा करते हैं उनके लिए मोक्ष के द्वार बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं और हर तरह से ये आपकी मदद करती हैं। इनका हम ये देखते हैं कि इनके आशीर्वाद से ये बहुत ही ज़्यादा नव निर्माण की चेतना करती हैं, इसीलिए हम देखते हैं ये जितने भी विद्वान हैं, जितने भी सक्षम पुरुष हैं, इन सब लोगों के ये आशीर्वाद देती हैं और इनको आगे बढ़ने की सहायता करती हैं। ये देवी जो है इतनी ज्यादा जल्दी खुश हो जाती हैं, इनकी अल्प उपासना से ही ये बहुत खुश हो जाती हैं, इसलिए हमको हमेशा एक पवित्र मन से और ये एकाग्रता से हमको माता स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि इनकी पूजा अर्चना करना बहुत ही ज्यादा सुगम होता है। और जैसे कि पहले बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर के आपको सुंदर से उसको सफाई कर लेनी चाहिए, गंगा जल से वहां पर अच्छे से छिड़काव करें और वहां पे एक पटरी के ऊपर आप अच्छे से बिछाएं और लाल उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, लाल वस्त्र पे बिछाएं और उसके बाद इनकी प्रतिमा या इनका चित्र वहां पर रखें। और क्योंकि इनको सफेद रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है कि आप सफेद पुष्प लाएं, सफेद रंग की मिठाई से इन प्रसाद लाएं इनकी पूजा करने के समय। और इनको फिर आपके लिए बहुत जरूरी है कि इनको रौली है, मौली है और सुपारी है, इन सब चीजों का इनको आप भोग लगाएं और उसके बाद इनकी जो मंत्र जिसकी आपको पूजा करनी चाहिए, इनकी पूजा आराधना से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। हर तरफ से हमारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग हैं, उन सब लोग का ये निवारण करते हैं और हमको हर तरह से आगे बढ़ने के लिए हमारे को प्रोत्साहित करती हैं। ये नव निर्माण चेतना की ये मूर्ति हैं और ये बहुत ही ज्यादा सुगमता से हमारे जितने भी कष्ट हैं उनको हर लेती हैं। बिल्कुल अन्ना जी, देखिए आज पांचवा दिन है नवरात्र का और माता रानी के नौ स्वरूपों की पूजा भी की जा रही है। माँ स्कंद माता को जिस तरह से याद भी किया जा रहा है, जिस तरह से आपने भी बताया है कि उनकी आराधना की जा रही है, लेकिन इस बीच आप तमाम जातकों को ये भी बताइए कि माता स्कंद माता, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो एक बहुत ही निराली देवी होती है, अपने भक्तों की सारी मनोकामना भी पूर्ण करती है,
तो जो जातक जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती भी पढ़ते हैं, और अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं दुर्गा सप्तशती, क्या वो दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं और क्या वो दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं जिस दिन तमाम जातकों का व्रत है? देखिए, जिस दिन दुर्गा माँ का पूजा करें आप कुछ भी इसमें से दुर्गा सप्तशती में इस पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं दुर्गा कवच पढ़ने से बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, और ये जैसे आप दुर्गा कवच को आप देखेंगे उसमें आपके शरीर के हर अंग के लिए हर कोई ना कोई देवी है जो आपकी ध्यान रखती है, जो आपके हर कार्य में आपकी सफलता के लिए आपके लिए तत्पर रहती हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे कष्ट हैं उनका निवारण करती हैं, हमको शत्रुओं से बचाती हैं, और किसी भी तरह का हमारे ऊपर काल से भी हमको ये कहते हैं इससे उनकी हमारी रक्षा करती हैं। और कई बार जैसे लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो भी अगर रोज दुर्गा कवच पढ़ने लग जाएंगे तो देखेंगे कि उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो भी सारी खत्म होती चली जाएंगी। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि किसी लोग कईयों को अगर कोई बहुत ही ज्यादा असाध्य रोग भी है, बहुत दिनों से वो रोग है, उस वो भी अगर ये दुर्गा कवच पढ़ने लग जाएंगे वो खुद ही रियलाइज करेंगे कि जैसे वो हर चीज के लिए हमारे शरीर के हर अंग के लिए कोई ना कोई देवी है जो हमारी सहायता करती है, हमारी मदद करती है, हमारी कोई भी मुश्किल है उसके लिए हमको बहुत ही ज्यादा मदद करती है। तो दुर्गा कवच जिसको हम बोलते हैं वो सच में हमारे लिए एक कवच ही है। इसे जितनी श्रद्धा पूर्वक से आप दुर्गा कवच का पाठ करने लग जाएंगे बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सुबह स्नान से निवृत्त होकर आराम से आप लाल एक आसन पे आप बैठें और दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं, और उसके बाद आराम से बैठकर आप दुर्गा कवच का पाठ करें। उनके सामने उनको जैसे हमने पहले भी बोला है कि थोड़ा पुष्प जरूर चढ़ाएं, लाल पुष्प जो है वो हर देवी को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, लाल पुष्प चढ़ाएं, प्रसाद रखें, घी का दीपक जलाएं और आराम से बैठकर आप दुर्गा कवच का पाठ अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 9 दिन भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जिस मनोकामना से आप उस कवच को पढ़ना शुरू करेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी, और जितने भी असाध्य रोग भी हैं वो भी धीरे धीरे आपके ठीक होने लग जाएंगे। और कोई भी जैसे आपका मामला है, जैसे कोर्ट कचहरी का या प्रॉपर्टी को लेकर कोई मामला है या किसी और चीज को लेकर कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, घर में किसी भी तरह का ग्रह कलेश है, कुछ है, वो सब धीरे धीरे आपका खत्म होता चले जाएगा। 9 की 9 देवियां आएंगी और आपके हर काम में इतनी ज्यादा आपकी मदद करेंगी और इतनी सुगमता से करेंगी कि आपके हर कार्य जो है बहुत ही आसानी से होने लग जाएंगे और आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि कैसे आपके सर कार्य होने लग गए हैं। श्रद्धा पूर्वक आप जरूर दुर्गा कवच रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद भी अगर आप दुर्गा कवच रोज पढ़ने लग जाएंगे आप देखेंगे जिंदगी में आपके बहुत ही ज्यादा खुशहाली, सुख समृद्धि और घर में बहुत ही ज्यादा अच्छा वातावरण अवश्य होने लग जाएगा। आप जरूर ऐसा करना शुरू कर दीजिए, और दुर्गा जी के नवरात्रों में ये काम शुरू करना तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल अनन्या जी, देखिए ये नवरात्र चल रहे हैं और जिस तरह से 9 दिनों में पूरी लगन और निष्ठा के साथ भी तमाम जातक व्रत भी रखते हैं, आपने जिस तरह से बताया है कि दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती का भी एक विशेष महत्व जो है नवरात्रों पे माना जाता है। तो अनन्या जी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम आरती भी जरूर करते हैं, कई जातक तो ऐसे भी हैं जो सुबह और शाम दोनों समय करते हैं, क्या ऐसा भी है कि अगर हम सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम शाम को भी कर सकते हैं आरती, अगर हम शाम को नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम दिन में भी आरती कर सकते हैं? देखिए, आरती का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। हम देखते हैं लोगों के लिए अगर किसी तरह पूजा पाठ नहीं कर पाते या व्रत भी नहीं रख पाते, उसी लिए अगर वो आरती भी करने लग जाएंगे उससे भी आप देखेंगे कि माता रानी बहुत खुश होगी और आपकी पूजा को खुले मन से स्वीकार करेगी। क्योंकि आरती, आप देखते हैं कि जब हम आरती करते हैं उसमें कई चीजें हैं जिनका हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और इसमें ये होता है कि जब आप आरती करें तो बहुत जरूरी होता है कि जो भी आप थाली लें वो या तो चांदी की हो या तांबे की हो या पीतल की हो, अगर आप मिट्टी की भी आजकल जैसे बनाने लग गए हैं वो भी ले लेंगे तो अच्छा है। हम आपको ये सजेशन जरूर देना चाहते हैं कि स्टील की थाली ना लें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद जब आप थाली में आप दिया भी रखें उसको आप चांदी का रख सकते हैं, तांबे का रख सकते हैं, पीतल का रख सकते हैं, मिट्टी का रख सकते हैं, तांबे का ये आटे का बनाकर भी अगर आप दिया रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ जब आप दिए के अंदर आपको घी डालना चाहिए और कपूर डालना चाहिए,
कहा गया है कि घी के दीपक से और कपूर डालकर जब हम आरती करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए शुभ रहेगा और इसमें जितने भी हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी वो एकदम खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आने लग जाएगी। मगर कई बार लोगों को घर में पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता, तो बेहतर यही होगा अगर आप मंदिर में, जो कि आपके घर के आसपास हो, तो मंदिर में चले जाएं, सुबह जाएं या शाम को जाएं, तो किसी भी समय आप जा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं आरती जो है वो दिन में 5 दफा की जाती है। एक तो सुबह के समय होती है जब हम भगवान को उठाते हैं, देवी माँ को उठाते हैं, उस समय की आरती होती है। उसके साथ जैसे कि प्रभात की आरती कहते हैं, उसके बाद उनको जब स्नान के उपरांत उनको नजर ना लग जाए तब भी आरती की जाती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम देखते हैं जब वो विश्राम करने जाती हैं दोपहर को, तब आरती की जाती है। और एक विश्राम के बाद जब वो उठती हैं तब भी आरती की जाती है। और एक पांचवी आरती जो होती है वो होती है जब वो शयन कक्ष में अपने जा रही होती हैं, उस समय जो हम लोग बोलते हैं रात्रि की आरती होती है, वो आरती की जाती है। तो किसी भी समय आप जाकर ये आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं आरती करने के लिए, उसमें जितने भी हमारे 5 तत्व होते हैं वो सारे इसमें जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि देखने का जो होता है, जब हम देखते हैं एक सुंदर प्रतिमा देखते हैं, उससे हमारे जो आंखों जो देखते हैं उससे हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, हमारे लिए हमको बहुत ठीक लगता है। उसके बाद जो हम ध्वनि सुनते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छी रहती है, जो भी हमारे अंदर कुंठा होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद एक सुगंध आती है वो भी बहुत सुंदर रहती है हमारे लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पर हम जैसे जाते हैं अपनी चप्पल उतार के जाते हैं, उससे हमारे अंदर एक ग्राउंडिंग इफेक्ट आता है। और उसके बाद जो हम लोग घंटी बजाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साउंड करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे पूरा जो ब्रह्मांड है वो 5 महाभूत से बना हुआ है और हमारा शरीर भी जो है वो भी 5 महाभूत से बना हुआ है। और इसमें जो आरती हम करते हैं उसमें सारे 5 भूत जो है वो समाये हुए हैं। जैसे जब हम मंदिर जाएं उसमें भी सारे 5 भूत होते हैं, जैसे देखने का, सुनने का, और उसके बाद जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, इन सब चीज़ों में 5 भूत जो है हमारे लिए ये ठीक रहते हैं हमारे लिए। और जैसे कि एक दिया जो है वो हमारे लिए अग्नि का स्वरूप है, जो उसकी लौ जो हिलती है वो वायु का स्वरूप है, और जो इसमें धार होती है घी की धार वो जल होता है, और जो सुगंध होती है वो पृथ्वी की सुगंध होती है, और आकाश का जो ध्वनि होती है वो हमें घंटी से मिलती है। तो हम देखते हैं कि सारी ये चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं और जब हम मंदिर जाकर ये सब करते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज जो वंचित रह गई होती है 5 महाभूत में, वो हमारी उसमें पूरी हो जाती है। इसीलिए मंदिर जाने से हमको बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए जब हम आरती करते हैं हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो इसलिए हम देखते हैं आरती जो है ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया है। इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि जब आरती करें, आरती की जब हम थाली लेते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमको स्वास्तिक बनाना चाहिए, उसके ऊपर थोड़े से फूल डालने चाहिए और चावल डालने चाहिए, और उसके ऊपर अच्छे से दिया लगाना चाहिए। और आरती जब हम करते हैं सबसे पहले हम पैरों से शुरू करते हैं। पैरों से शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि 5 दफ़ा हम पैरों पे इस तरह से आरती करते हैं, फिर नाभि पे 2 दफ़ा करते हैं, फिर मुखमंडल पे या तो 1 दफ़ा नहीं तो 7 दफ़ा हम करते हैं। और कई लोग जब आरती करते हैं तो वो ओम भी बनाते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह जब हम आरती करते हैं उससे हमें देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा माता रानी भी खुश होती हैं और संपूर्ण आशीर्वाद हमको देती हैं। और ये जो आरती की प्रक्रिया है ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, तभी हम हमेशा लोगों जितने भी लोग आते हैं उनको यही कहते हैं कि मंदिर जाके और कुछ नहीं कर सकते तो आरती के लिए ज़रूर चले जाओ और वहाँ जाकर अच्छे से आरती करके आओ। आरती करने से ही माता रानी खुश होंगी, हमारी पूजा स्वीकार करेंगी, और ये करने से हमारे स्वास्थ्य भी बहुत ही ज़्यादा उसमें वृद्धि होगी। इसलिए और कुछ नहीं कर सकते तो ज़रूर आरती के लिए आप जाइए, और वहाँ जाके जब आप सारी ध्वनि सुनेंगे, जब आप देखने के लिए आपके अच्छा होगा, सुगंध आएगी, और जो कानों से आप ध्वनि सुनेंगे उससे बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए स्वास्थ्य वर्धक भी रहेगा, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, और हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जो समय है बहुत ही ज़्यादा हमारे अनुकूल डेफिनेटली हो जाएगा। बिल्कुल अन्ना जी, आपने बताया कि आरती का भी एक विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप जो अगर सुबह के वक्त आरती कर रहे हैं
हालांकि ये भी कहा जाता है कि अगर आप सुबह के वक्त आरती कर भी रहे हैं तो इसका एक अलग ही महत्व होता है। शाम के समय भी जिस तरह से आपने बताया है कि कई तरह की आरती होती है, आरती के साथ साथ जो हम सुबह के समय पूजा करते हैं, सुबह उठते ही जो पूजा करते हैं, 4 बजे उठ रहे हैं या फिर 5 बजे उठ रहे हैं, तो उस पूजा का क्या कुछ महत्व रहता है? देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त इसको कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि उस समय जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, वो अपनी ऑक्सीजन बाहर दे रहे होते हैं। वो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में आती है, उस समय जब उठ के हम पूजा पाठ करते हैं, तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर पूजा करने से, उनकी वाइब्रेशंस के साथ, उससे हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। और जब इस तरह हमारे अंदर एक स्पंदन होने लग जाएगा, तो जो भी भगवान की वाइब्रेशंस हमारे अराउंड होती हैं वो मिल जाती हैं। और जब भगवान की वाइब्रेशंस हमारे अंदर की वाइब्रेशन मिल जाएंगी, तब जब जो भी हम मनोकामना उस टाइम करेंगे, वो जरूर हमको उसका आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि कई लोग जब पूजा कर रहे होते हैं, उनका ध्यान कहीं और भटकता रहता है, तो उससे फिर वो बोलते हैं कि उनके काम नहीं हो रहे। मगर उनको ये बात समझना जरूरी है कि जो ब्रह्मांड की एनर्जी है और वो जो आपके अंदर की एनर्जी है, उसको एकदम मिक्स होना चाहिए। जब वो एकदम मिल जाती है, तो फिर हम जो भी मनोकामना भगवान से मानेंगे वो जरूर हमारी पूर्ण होगी। इसीलिए सुबह का समय जो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो कि 3:30 से 4 बजे का बेस्ट मुहूर्त होता है, फिर भी हम देखते हैं 5-6 बजे तक भी अगर हम कर लें तो अच्छा रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस समय सुबह के टाइम एक तो सारे प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन भी दे रहे होते हैं, उस समय कोई फालतू की ध्वनि नहीं होती है, केवल एक ध्वनि जो होती है वो ओम की ही ध्वनि रहती है। अगर आप कान बंद करके सुने और मेडिटेशन करें उस समय, हम देखते हैं कि ओम की ध्वनि जो है हमारे अंदर वो जाने लग जाती है और हमारे अंदर अपने आप एक स्पंदन होने लग जाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा आती है और हमारा सारा दिन जो है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान रहता है। इसलिए उस समय कोई पोल्यूशन भी नहीं होती है, ना तो कोई फालतू की आवाजें आती हैं, ना कोई सुगंध होती है, और जो आसपास का जो वातावरण है वो भी एकदम स्वच्छ और शांत होता है। उस समय भगवान का नाम लेने से बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। और वो अगर आप कर सकते हैं माता रानी के उठ के, और कुछ नहीं, चुपचाप बैठकर माता रानी का ध्यान रखें, और आप चाहे जय माता दी की 5 मालाएं कर लेंगे, तो आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा आपको उसका लाभ मिलेगा। और उसके बाद आप जो भी मनोकामना करेंगे वो जरूर माता रानी आपकी पूरी करेंगी। वैसे देखो वो हमारी माता है, जो हमारे लिए बेहतर होगा वो जरूर आपकी कामना पूर्ण करेंगी। कई बार लोग कई छोटी छोटी बातें मांगते हैं और वो सोचते हैं उनकी बातें पूरी नहीं हुई, उनको ये हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे लिए सही रहेगा वही माता रानी पूर्ण करेंगी, उसी का आशीर्वाद देंगी। हम छोटा सोचते हैं, वो पूरा पूर्ण सोचती हैं कि जो हमारे शरीर के लिए, हमारे भविष्य के लिए और जो हमारे घर के लिए अच्छा होगा वो उसी को आशीर्वाद देती हैं। इसे कभी भी अपनी माता रानी के अंदर बिल्कुल ना ये सोचें। माता रानी तो अपनी तमाम जितने भी जातक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको आशीर्वाद और अपनी कृपा जो है वो जरूर बनाए रखती हैं। और ये भी कहा जाता है कि माता रानी तो खुद ही दयालु होती हैं। जब जब नवरात्रे आते हैं, जब जब वो आती हैं, तो उस वक्त ही ये रहता है तमाम जातकों की माता रानी यहाँ पर आने वाली हैं, तो कृपा करके जरूर जाएंगी। रंजना जी, इस बार जो नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे हैं, और ये भी कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रे का एक अपना अलग ही महत्व होता है, तो इन तमाम नवरात्रों में हम क्या क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं जब माता रानी जो है वो कृपा भी करें और जो कोई भी समस्या है, कोई किसी कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जाता किसी परिस्थिति को लेकर अगर परेशान भी है, तो ऐसे में किस तरह से वो निजात पा सकता है? देखिए, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए हम बहुत ही सरल से छोटे से उपाय बताना चाहते हैं लोगों को। वो यही है कि जिस हिसाब से अगर हम नंबर के हिसाब से बताना चाहें किसी को, तो वो भी हम बता सकते हैं कि जैसे जो 1 नंबर वाले हैं, उनको अगर किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो नवरात्रों के दिनों में जरूर वो किसी ना किसी तरह के लाल रंग के फलों का दान करना शुरू कर दें। और ऐसे वो जब करेंगे उससे इनको बहुत लाभ मिलेगा, जो भी दिक्कतें आ रही हैं इनकी जिंदगी में वो खत्म हो जाएंगी। अब जैसे कि 2 नंबर वाले हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अगर दूध का दान कर दें, दूध का दान करेंगे उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। जिस टाइम जितना भी आप इस समय दान पुण्य करेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं शुभ रहने वाला है। अब 3 नंबर वाले हैं, जो अगर वो नवरात्रों के दिनों में पूजा पाठ जब ये कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो जाकर किसी भी तरह से जो फल हैं उनका ही दान करेंगे वही बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय ज़्यादा तो फल ही खाए जाते हैं। इससे हम देखते हैं कि अगर वो हरे फल जाकर बांटाएंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है।
फिर हम देखते हैं जो चार नंबर वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, अगर ये फूल मखाने का दान कर देंगे तो उससे हम देखते हैं बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जो फूल मखाने होते हैं उसमें कैल्शियम बहुत होती है और जैसे ही वो लोगों को बांटेंगे, लोगों खुशी से उनको खाएंगे, उससे बहुत उनको लाभ मिलेगा। अब जैसे कि पांच नंबर वाले हैं वो अगर नारियल का दान कर देंगे तो उससे हम देखते हैं बहुत ज्यादा उनके लिए बेहतर रहने वाला है। जो भी थोड़ी बहुत उनकी काम काज में बाधाएं आ रही हैं, कोई भी उनकी दिक्कतें आ रही हैं, वो सब इनकी खत्म हो जाएंगी। अब छह नंबर वाले हैं उनके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि जैसे वो साबुदाना है वो भी अगर ये लोगों के अंदर खिचड़ी बना के उसकी अच्छे से लोगों को ये बांटना शुरू करेंगे, बहुत सुंदर से उस खिचड़ी को उसमें आलू भी डालेंगे और सामान भी डालेंगे, मूंगफली भी डालेंगे, उसका दान करेंगे, उससे भी बहुत ज्यादा इनके लिए अच्छा रहने वाला है। अब जो सात नंबर वाले हैं वो अगर हम देखते हैं साबुदाने की खीर बनाकर उसको अगर ये दान करेंगे, उससे भी हम देखते हैं कि जितनी भी उनकी दिक्कतें आ रही हैं, अगर किसी की फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, वो इनकी एकदम ठीक हो जाएंगी। अब ये देखते हैं जैसे कि आठ नंबर वाले हैं उनके लिए भी कई बार व्यवसाय में लेकर कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हम यही बताना चाहते हैं उनको कि अगर वो सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाकर और आलू की सब्जी के साथ लोगों को खाने को देंगे, उससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। और जो नौ नंबर वाले हैं वो अगर केले का दान कर देंगे, उससे देखेंगे कि कितना ज्यादा इनके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इससे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या क्या दान करना है क्या नहीं करना, जो भी आप दिल से श्रद्धा पूर्वक माँ को अर्पण करके प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे उससे माँ भी बहुत खुश होगी और आपको संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य देगी और खुले मन से आपकी जो भी प्रार्थना है उसको अवश्य स्वीकार करेंगी। बिल्कुल नाजी, हमने बात की कि किस तरह से पूजा की विधि रहेगी और माता रानी को भोग में क्या कुछ पसंद है और माता रानी की आराधना किस प्रकार से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। यहाँ रुकना छोड़ सुब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।